कहानी 2.0। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक गाना है जो है कैफी खलील का और ये एक पाकिस्तानी सिंगर है। अगर आप तो YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स अगर आप यूज़ करते हो, देखते रहते हो, तो आपको ये गाना काफ़ी महीनों से बार बार सुनाई देता होगा क्योंकि गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। इसकी कॉम्पोजिशन इतनी प्यारी है कि आप ये गाना बार बार सुनते हो। और जैसे कि आपको पता, मैं कुछ टाइम से YouTube पे वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था और ये मेरी कमबैक वीडियो भी है, आज से मेरी रेगुलर वीडियोज़ आपको मिला करेंगी। ये गाना जब मैंने गिटार पे प्ले किया तो मुझे लगा नहीं यार, इस गाने का एक लेसन तो मेरे बिगनर्स लोगों के लिए बनता ही बनता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये गाना प्ले करना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी ओपन कॉर्ड्स के साथ, इजी स्ट्रमिंग पैटर्न, इजी प्लकिंग पैटर्न। बस आपको वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल और प्रेस कर ले बेल आइकन को ताकि आपको मेरी हर अपडेट्स मिलती रहे। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं गिटार अड्डा यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू, जान लेते हैं कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग के बारे में और प्लकिंग पैटर्न के बारे में भी। तो इस गाने को सबसे पहले आपको प्ले करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको बोलते हैं कैपो। कैपो अगर आपके पास नहीं है, बाय कर लो मार्केट से, आपको 150-200 रुपये का आपको नॉर्मल कैपो मिल जाएगा, ठीक है। इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस गाने को स्पेशली प्ले करने के लिए। तो कैपो आपने प्लेस करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ फ्रेट पर इसकी जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है वो इसकी है और कॉर्ड्स इसमें हार्डली 4 कॉर्ड्स यूज हुए हैं, तो बहुत बेसिक कॉर्ड्स हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला कॉर्ड जो है वो है मेरा जी मेजर। तो जो मेजर फर्स्ट कॉर्ड आ गया मेरा वो है जी मेजर। जी मेजर हम पकड़ते हैं इंडेक्स फिंगर के साथ सेकंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग और मिडल फिंगर के साथ थर्ड फ्रेट की सिक्स, रिंग फिंगर के साथ थर्ड फ्रेट की सेकंड और पिंकी फिंगर के साथ थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग। ये मेरा जी मेजर कॉर्ड आ गया। सेकंड जो मेरा कॉर्ड है वो ऐसे ही है, E-7। E-7 इसमें क्या करना है आपने, बस मिडल फिंगर को उठा के इंडेक्स फली के नीचे वाली स्ट्रिंग पे आपने रख देना है, तो ये आ गया आपके E-7। इतना इजी मेरा थर्ड कॉर्ड भी है C8-9। C8-9 अब वापस जी मेजर की शेप ले लेते हैं। C8-9 में क्या करना, आपने दोनों फिंगर्स इंडेक्स और मिडल फिंगर को एक एक स्ट्रिंग नीचे ले आना है, तो ये आपका बन गया C8-9 कॉर्ड। और वैसे ही मेरा ईजी है फोर्थ कॉर्ड। फोर्थ कॉर्ड मेरा है डी मेजर कॉर्ड। डी मेजर के लिए क्या करते हैं यूज़, इंडेक्स फिंगर आपके सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पे, मिडल फिंगर आपकी सेकंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे और आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपकी थर्ड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे। ये मेरे 4 कॉर्ड्स आ गए। अदरवाइज आप जी मेजर की जगह जी मेजर यूज़ कर सकते हैं, E-7 की जगह आप नॉर्मली E-minor भी यूज़ कर सकते हैं, C8-9 की जगह आप C-major भी यूज़ कर सकते हैं और डी की जगह आप ये डी शेप भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप सी का ये दो फ्रेट आगे ये आप सेम शेप में आप डी मेजर, इसको भी डी मेजर ही बोलते हैं, तो ये शेप भी आपका डी साउंड ही करता है, तो ये भी आप शेप ले सकते हैं उसमें। तो टोटल 4 कॉर्ड्स आगे, जी मेजर, E-7, C8-9 है, डी मेजर। डी मेजर की जगह आप डी सस्पेंडेड 4 भी आप ले सकते हैं इनकेस। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। स्ट्रमिंग पैटर्न भी इसका बहुत ज़्यादा ईजी है। जो रिदम है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कैसी है। क्या प्ले कर रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करके बता देता हूं। सबसे पहली स्ट्रोक है आपकी डाउन, फिर है आपकी डाउन अप, डाउन अप, कैसे रहे, टोटल 5 स्ट्रोक्स हैं, डाउन, फिर अगेन डाउन, फिर अप, डाउन, अप। पहले डाउन के बाद थोड़ा सा पॉज, जैसे आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कैसे, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें अगर आपको ये पैटर्न नहीं आपने इससे पहले सीखा हुआ। अब बात करते हैं प्लकिंग पैटर्न के बारे में। प्लकिंग पैटर्न जो आपका रहेगा, इसमें आप फिंगर स्टाइल बोलो, प्लकिंग पैटर्न बोलो बेसिकली। तो प्लकिंग पैटर्न क्या है, जैसे आप कोई भी मेजर कॉर्ड, जैसे सपोज करो आपने जी मेजर कॉर्ड लिया, तो इसमें आपने सबसे पहले स्ट्रिंग्स देख लो कौन सी प्ले करनी है। नॉर्मली आपने देखो ये पैटर्न रखना है 5-4-2-3-4। सो कैसे, तो ये कैसे प्ले कर रहा हूं मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं जल्दी। 5-4-2-3-4, 5-4-2-3-4, ये मैंने E-7 के लिए लिया है। जहाँ पे मेरा बेस नोट जी मेजर आ जाएगा तो मैंने 6 स्ट्रिंग को प्ले करना है, बट नीचे वाली फिंगर्स मेरी सेम रहेगी, 6-4-2-3-4, 6-4-2-3-4।
E-7 के लिए मेरी 5 आ जाएगा बेस नोट, C9 के लिए भी सेम रहेगा 5 4 2 3 4। तो डी मेजर के लिए मेरा बेस नोट आ जाएगा जो कि है मेरा डी नोट, ये जो 4 स्ट्रिंग मैं यूज़ करूँगा इसमें, तो इसमें मेरे करना है यूज़ 4 3 1 2 3। मतलब बाकी सबके लिए, इसके लिए 6 4 2 3 4, इसके लिए 5 4 2 3 4, डी के लिए आपका 4 3 1 2 3, आपका ये पैटर्न रहेगा। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब मेरा आप कवर वर्जन एक बार देख लो, जिसमें आपको साइड बाय साइड मैं लिरिक्स के साथ साथ आपको कॉर्ड्स भी शो करता रहूँगा, और आप कवर भी इंजॉय कीजिए। मैंने ट्राई किया अपने से थोड़ा सा अच्छा गाने के लिए, सो आप मेरा कवर इंजॉय कीजिए। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा भी। सुन तो जरा जो मैं कहना सका, मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा। दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। आई होप गाइज आपको आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप मेरी डेली वीडियोस चाहते हैं, रेगुलर वीडियोस चाहते हैं और उसके अपडेट्स चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस लेसन के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट कुछ भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस आप मुझे अपने कोई भी, जैसे आपके कोई रिक्वेस्ट सॉन्ग्स हैं, आप कोई सॉन्ग पे पर्टिकुलर मुझे बोलना चाहते हैं, और जो अच्छा सॉन्ग भी है जिसपे मैं कर सकता हूँ, या कोई ऐसा टॉपिक जिसपे आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, तो वो भी आप मुझे नीचे आप सजेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। और आप बता सकते हैं आपको क्या चीज़ मैं सिखा सकता हूँ, किस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए मैं बड़ी जल्दी लेके आऊँगा, और तब के लिए कीप मोटिवेटेड कीप लर्निंग। थैंक यू।